हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपका दोस्त अली। आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं iPhone SE 2016 के बारे में। जी हाँ, ये iPhone 2020 नहीं है, ये iPhone 16 है, जो कि हमारा डिवाइस ये रहा। इस डिवाइस के बारे में हम लोग कुछ रिव्यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या ये डिवाइस आपको 2020 में लेना चाहिए या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक, अगर आप एक आईफोन यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप iOS का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको अगर सेकेंड हैंड मार्केट में देखा जाए तो इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार में आपको बड़ी आसानी से अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। तो अगर इसके इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात करें, तो चलिए इसके बारे में रिव्यू स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं और स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताता हूं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डिवाइस। अगर बात करें इसके बिल्ट और डिज़ाइन के बारे में, तो इसका जो बिल्ट क्वालिटी है, इसमें आपको एल्यूमिनियम का पूरा फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि इस डिवाइस को काफ़ी स्टडी और हाथ में होल्ड करने में काफ़ी बेहतर फील होता है। अगर बात करें इसके डिज़ाइन का, तो इसमें आपको स्क्वायर फ्लैट डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन iPhone 11, 12 में इसी तरह के डिज़ाइन आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद ही अगर बात करें इसके जितने भी बटन से, अगर बात करें इसके टॉप में, तो आपको इसमें एक पावर लॉक और अनलॉक बटन देखने को मिलता है, जिसके बटन टेक्टाइल और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अगर बात करें इसके बॉटम में, तो बॉटम में आपको देखने को मिलता है एक स्पीकर ग्रिल्स और एक ठीक उसके बाद आपको चार्जिंग पोर्ट और ठीक उसके बाद आपको माइक्रोफोन का ग्रिल्स देखने को मिलता है और उसके बगल में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, iPhone SE के लॉन्च के ठीक बाद ही iPhone 7 जब लॉन्च हुआ था, तो इसको जो पोर्ट है इसको रिमूव कर दिया गया था। तो ये लास्ट फ़ोन था जिसमें आपको 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके राइट हैंड साइड में, तो आपको एक सिम ट्रे का ग्रिल देखने को मिलता है और ठीक इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक टॉगल देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को साइलेंट या फिर जर्नल में भी आप यूज़ कर सकते हैं और ठीक उसके नीचे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसको आप 4 इंच डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन आपको ऑलमोस्ट 640x1136 पिक्सल देखने को मिलता है और इसका जो पिक्सल पर इंच है आपको 326 मिलता है। अगर बात करें सिक्योरिटी के बारे में, तो इसमें आपको फर्स्ट जेनरेशन का टच मिलता है, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी फास्ट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा टच रिस्पॉन्सिव है, यह आपके फ़ोन को काफ़ी जल्दी से अनलॉक कर देता है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको एप्पल A9 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जो काफ़ी फास्ट और स्मूथ है। आपके किसी भी डे टू डे लाइफ के बारे में या फिर किसी भी टास्क को आप काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, इसमें किसी भी तरह का आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। अगर बात करें इसके कैमराज के, तो इसके जो रियर कैमरा है, आपको रियर कैमरा में आपको 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी शूटर देखने को मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको डुअल टोन का फ्लैशलाइट भी देखने को मिलता है। अगर बात करें सेल्फीज़ के, तो इसमें आपको 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ देखने को मिलता है, जो कि ये एक थोड़ी उदास वाली बात हो जाती है। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर के, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में चलते हैं, क्योंकि इसमें चाहे वो 1 लाख का फ़ोन हो चाहे 20 हज़ार का, आपका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है सबका सेम ही होता है, जिसके वजह से आपका जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी टॉप नॉच का देखने को मिलता है और इसके जो सिक्योरिटीज़ है iOS के, वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। अगर बात करें बैटरीज़ के, तो आपको हमेशा से एप्पल वाले बताते नहीं कि आपको कितना mAh का बैटरी है, लेकिन इसके जो ऑप्टिमाइजेशन है और जो हार्डवेयर और इंटरनल का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने के कारण आपको काफ़ी अच्छी बैटरीज देखने को मिलती है।
अगर मेरी ओपिनियन माने तो अगर आप एक एप्पल आईफोन यूज़ करना चाहते हैं या फिर iOS का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये डिवाइस आपको काफ़ी कम दाम में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं ना।